प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात का इशारा उन्होंने इटावा में गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने यह कहा कि सपा के बागी नेता हरिओम यादव उनसे फिरोजाबाद संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस बारे में उनकी पार्टी कोई अंतिम फैसला करेगी, लेकिन ईटीवी भारत को मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इस बारे में भी चर्चा की जाएगी और जो जानकारी है ईटीवी को उसके अनुसार 3 फरवरी को शिवपाल सिंह यादव औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो फिरोजाबाद संसदीय सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी। आपसे पूछना चाहते हैं, हरिओम मान कर रहे हैं कि फिरोजाबाद से एमपी से चुनाव लड़ेंगे, सही है, मान कर रहे हैं। इनकी भी मजबूरी है, जैसे मेरी मजबूरी हुई पार्टी बनाने की, इनकी भी मजबूरी हुई। मजबूरी इसलिए हुई कि दिल्ली में बैठ करके जनता का प्रभाव कोई आया नहीं, जनता का काम आज की नौबत क्यों आ। अब हम लोगों ने तो कड़ाई कर दी नहीं, आप तो जनता के बीच में रख कभी जनता को समझे ही नहीं। जनता को हमने तो इतनी भीड़ होती थी, बताओ किसी को गाली थी, किसी को भगाया है। अगर मेरे दरवाजे पर गया तो भीड़ की भीड़ होती थी, तो मैंने किसी को डाटा नहीं। और दूसरी तरफ जाते थे तो गाली भी पड़ती थी, झाड़ भी पड़ती थी, होना पड़ता था। हम जब बुला रहे थे फिरोजाबाद एम पी का चुनाव लड़ू, वहां से प्रस्ताव कर दिया। और सही है कि अब जब मांग हो रही, जनता की मांग हो रही, तो मुझे 30 तारीख को जाना भी और मुझे अगर जनता ने मांग की तो मैं बिल्कुल चुनाव वहां से पार्लियामेंट में चुनाव लड़ा। और चुनाव इसलिए लड़ेंगे, चुनाव हम लिए लड़ेंगे। अगर 2019 में जो भी सरकार बनेगी बिना प्रगति समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी।